नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर बलिदानी की जिसकी कथा सुनकर के आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है तो वो बॉर्डर पर हमारे लिए संघर्ष करते हैं, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं, और वह भी एक उम्र पर नहीं, 18, 19, 21 और 22 साल की अवस्था में, जब भारत का वो नौजवान देश का सैनिक बनकर के अपने प्राणों की आहुति देता है तो शायद हमें इस बात का भान भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है हमारे लिए। आज जो हम चैन की सांस लेते हैं ये सब उसी की देन है। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, ये कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी। हम बात कर रहे हैं 1968 की। देश में 1962 पर जब चीन ने आक्रमण किया था, उसके बाद देश को लगने लगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर लद्दाख और भूटान की तरफ जो हमारी सीमाएं लगती हैं, वहां पर रोड बननी चाहिए। भारत सरकार ने जो रक्षा विभाग में एक BRO नाम का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, जिसको बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब आप पहाड़ों पर जाते हैं और जो अच्छी अच्छी रोडें आप देखते हैं वो उन्हीं BRO के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको भी सैनिक का दर्जा प्राप्त है। ऐसे रक्षा विभाग में कई विभाग हैं जो लोग देश के लिए काम करते हैं, उनको सैनिक का दर्जा प्राप्त है और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बात है 1968 की कि जब एक विमान BRO के कर्मचारियों को, 120 सैनिकों को लेकर के सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जा रहा था, उसी समय प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद लगभग सारे के सारे वो सैनिक मारे जाते हैं, और मरने के बाद जब उनकी खोज की जाती है तो वहां पर उनकी लाशें बर्फ के अंदर दब जाती हैं और नहीं मिलती हैं। स्थिति तो तब बदलती है जब सरकार कई बार प्रयास करती है, फिर भी उनकी लाशों को उनके परिवार तक नहीं लाया जा सका। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर काम करने की ठानी और उन्होंने कहा कि उन सैनिकों की लाशों को ढूंढा जाए, लेकिन आप दंग रह जाएंगे कि फिर भी सिर्फ कुछ चंद लोगों की ही लाशें मिली और उसके बाद उनके घर तक पहुंचाया गया। आश्चर्य तो तब हुआ कि जब सहारनपुर के फतेहपुर तहसील के मलखान सिंह की लाश अभी जल्द ही सेना को मिली और बुधवार को उनका वो पार्थिव शरीर सहारनपुर में लाया गया, जिसको बड़े ही सेना ने सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आपको लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति की 56 साल पहले मृत्यु हुई और 56 साल बाद वो आज अपने गांव में उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, दिल कितना द्रवित हो जाता है। और जब उसकी वो लाश आती है तो ना तो उसकी पत्नी जीवित अब रह गई है और ना ही उसका जवान बेटा रह गया है। ऐसी परिस्थिति में उनके और स्वजनों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया, साथ में सेना के भी लोग वहां उपस्थित रहे। मैं तो बड़ा अंदर से दुखी हो गया कि हमारे देश के नौजवान और हमारे देश के जो बलिदानी वीर सैनिक हैं वो कितना बलिदान करते हैं कि उन्हें अंतिम संस्कार भी 56 वर्ष बाद मुहैया होता है। ऐसे अनेक बलिदानी मलखान सिंह की तरह देश की सेवा करते हुए अपने आप को मिटा देते हैं और उनके पार्थिव शरीर भी उनके स्वजनों के पास नहीं आ पाते हैं। लाइव यूपी न्यूज 24 ऐसे वीर बलिदानी मलखान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद।